जय हिंद एवरीवन। दोस्तों 26 जनवरी और 15 अगस्त जब जब आता है तो कुछ ऐसा देशभक्ति देखने को मिलता है, मतलब इस तरह से तुमको देशभक्ति दिखाएंगे ये लोग, उनको ये भी मालूम नहीं रहता, ये भी समझ में नहीं आता कि तिरंगा को किस तरह से पकड़ना चाहिए, कौन सा कलर ऊपर में होना चाहिए, कौन सा कलर नीचे में होना चाहिए, उनको ये भी समझ में नहीं आता है, बस देशभक्ति है, जूटा वटा देशभक्ति दिखाने लग जाते हैं जब जब 15 अगस्त और 26 जनवरी आते हैं। तो मैं ऐसे में आप लोगों को एक तस्वीर दिखाना चाहता हूँ, आप लोग इस तस्वीर को गौर से देखेगा स्क्रीन पे। यहाँ पे देख सकते हो आप लोग दोस्तों, एक महिला है, मैंने मार्क करके रखा है, एक महिला है, देखो उनके हाथ को, तिरंगा को देखो किस तरह से उन्होंने पकड़ा है, कौन सा कलर ऊपर में होना चाहिए, कौन सा कलर नीचे में होना चाहिए, उनको यह भी नहीं मालूम है तिरंगा को किस तरह से उन्होंने पकड़ा है। पहले आप इस तस्वीर को देख लीजिए, उसके बाद नीचे में आप लोगों को और एक तस्वीर दिखाऊंगा, भीड़ में भी दो लोगों ने भी तिरंगा को उल्टा पकड़ के रखा है, देखिएगा ज़रा गौर से देखे तस्वीर को। और आप मैं बता देना चाहूँगा दोस्तों, यहाँ पर इतने सारे लोग हैं, इतने सारे बड़े बड़े देखने में लग रहे हैं, सब पढ़े लिखे इंसान हैं सब सारे लोग, उनको ये भी एक बार भी नज़र नहीं आया कि उनके पीछे महिला जो किस तरह से तिरंगा का पकड़ के रखा है, उनको ये भी एक बार भी समझ में नहीं आया, एक बार भी दिमाग में नहीं आया है, एक बार भी नज़र में नहीं आया कि इस महिला ने किस तरह से तिरंगा को पकड़ के रखा है, उनको दिमाग में ये नहीं, उनको तो कोई मतलब ही नहीं है भाई, उनको तो सिर्फ 15 अगस्त 26 जनवरी में फ़ोटो खींच के सिर्फ दिखाना है कि हमारे अंदर भी देशभक्ति है भाई, देशभक्ति दिखावे से नहीं होता है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि तिरंगा को मत लगाओ या फिर आप तिरंगा से फ़ोटो मत खींचो, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आप खींचो, फ़ोटो खींचना चाहते हो खींचो, आप तिरंगा लगाना चाहते हो लगाओ, जो करना चाहते हो तिरंगा, लेकिन सम्मान के साथ करो भाई, ऐसा काम मत करो ताकि तिरंगा का असम्मान हो। ठीक है, सम्मान के साथ, इज्जत के साथ उसको लो, उस इज्जत के साथ उसको लगाओ भाई, कोई मना नहीं कर रहा है तुम्हें। बहुत ही ज़्यादा दुख लगा इस तस्वीर को देखने के बाद कि इतना झूठा देशभक्ति दिखा रहे हैं लोग, उनको ये भी मालूम नहीं रह रहा कि तिरंगा को किस तरह से पकड़ना चाहिए, शर्म की बात है या शर्म की बात है, ये हमारे देश के पढ़े लिखे लोग, कुछ ऐसे पढ़े लिखे लोग ऐसे भी होते हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, हर किसी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है, मैं बस इनकी बात कर रहा हूँ, इन जैसे लोगों की बात कर रहा हूँ मैं। अरे भाई तिरंगा को किस तरह से लगाना चाहिए तो एक, अरे छोड़ो या दूसरों की बात छोड़ो, मैं अपने घर के परिवार की बात कर रहा हूँ, मेरे पिताजी को लिखना पढ़ना कुछ नहीं आता है, फिर भी उनको अच्छी तरह से मालूम होता है कि तिरंगा को किस तरह से लगाना चाहिए, तिरंगा कलर कौन सा वाला ऊपर में होना चाहिए, कौन सा वाला नीचे में होना चाहिए, उनको इतना तक मालूम है, लेकिन ये लोग देखने में तो लग रहा है पढ़े लिखे लोग हैं यार, उनको ये भी समझ में नहीं आ रहा कि तिरंगा को किस तरह से पकड़ना चाहिए, बहुत ही शर्म की बात है यार, बहुत ही शर्म की बात है। अंत कर रहा है उनको बहुत कुछ सुनाओ, पर एक महिला है, सम्मान कर रहा हो, रेस्पेक्ट कर रहा हो, आइंदा ऐसा काम मत करो, जो भी हो तिरंगा को आप लगाना चाहते हो, बाइक पे भी लगा रहे लगाओ, गाड़ी में भी लगा रहे लगाओ, जहाँ पे लगाना चाहते हो लगाओ, लेकिन उसको सम्मान के साथ। तिरंगा जो लहराता है ना हवा में, ये ऐसे नहीं लहराता, यहाँ पे इसके लिए कितनों ने अपनी जान कुर्बान दी है, कितनों ने शहीद हुए हैं इसी तिरंगा के लिए, तो ज़रा सम्मान के साथ उसको रखना दोस्तों, रिक्वेस्ट करता हूँ उसको। 15 अगस्त के बाद 16 अगस्त में कोई रोड में फेंकना नहीं चाहिए तिरंगा, चाहे छोटा वाला तिरंगा हो या बड़ा वाला हो, रोड में फेंकना नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत सारे तिरंगा रोड में मिलता है, जो छोटा छोटा वाला तिरंगा होता है जो बाइक पे साइकिल पे लगाते हैं, ये तिरंगा ज़्यादातर रोड में देखने को मिलता है, लेकिन ऐसा मत करो यार, अगर तिरंगा को संभालने की औकात नहीं है तो तिरंगा को खरीदो भी मत, सीधी सी बात है, अगर उसको संभालने की, उसका सम्मान देने की तुम्हारी औकात नहीं है तो उसको हाथ में भी लेने के लिए तुम्हारी कोई औकात ही नहीं है, अगर उसको सम्मान के साथ रखना चाहते हो या सम्मान के साथ रखने का औकात है, तिरंगा जरूर लीजिए, जरूर लगाइए, चाहे आप गाड़ी में लगाओ, आपके घर में लगाओ, आप जहाँ पे लगाना चाहते हो लगाओ, लेकिन सम्मान के साथ, सम्मान और रेस्पेक्ट के साथ। अगर मेरी किसी बातों का बुरा लगता है तो दिल से माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन ऐसे दिखावा देशभक्ति ऐसा मत दिखाइए ताकि तिरंगा की असम्मान हो जाए। तिरंगा तस्वीर देखने के बाद सच बताओ दोस्तों, मेरा दिमाग खराब हो गया यार, जब भी मैंने तस्वीर देखा था। तो आप लोग क्या कहना चाहते हो इस तस्वीर के बारे में, अपना राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। चलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, बहुत जल्द मिलेंगे, आप लोग अपना ध्यान रखें, अपना परिवार का भी ध्यान रखिए। जय हिंद जय भारत।